नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब उमर शाह जिंदाबाद, जनाब उमर शाह जिंदाबाद, रविंदर सिंह राणा जिंदाबाद। आज हम श्यामलाकाया नुकुल चौक में खड़े हैं। सीएम पत्नियां और सारे माहौल बना कर हटाने की जो बात सरकार ने उठाई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो 1935 में महाराजा ने इस प्रेसिडेंट का हुक्म दिया था, शेर जंग को बनाया था, इसको रियासत को पुख्ता करने के लिए उन्होंने बनाया था, ताकि बाहर का कोई आदमी यहाँ जमीन ना खींचे, बाहर ना करे, जहाँ के लोग रहे वही करेंगे, उनको ही फायदा होगा, हमारे ही बच्चे यहाँ नौकरियाँ लेंगे, ये स्टेट का ज्यादा फायदा है। गवर्नमेंट इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, व्यापारी लोग हैं उनकी गवर्नमेंट है, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कहती है उसको लागू रखना चाहिए, हम इसकी पूरी कहती है का समर्थन करते हैं। जय हिंद। गवर्नमेंट साहब नंबर वन स्टेट ऑफ स्टेट उन्हें सेंटर की टप्पर किया है, इसी लागू नहीं किया है। बड़ी जाने के बारे बोलेंगे, अगर जेड जेड गवर्नर समझा कि नुकसान हो आम आदमी समझ जाएगा कि कितना इंसान साढ़े पब्लिक ही हो, जे एंड के लोगों ही हो और लोगों के रोजगार को सुझा। चली पे चलो बोलो, पैंती आज ज़िला इकाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कठुआ की तरफ से हमारे पदाधिकारीगण, हमारे डेलीगेट हजरात, हमारे सेक्रेटरी साहब के बख्शी जी, मोहतरम जेपी साहब, डॉक्टर जनकराज जी और मैडम अंजू जी और दीगर साथी जो हैं, मुखर्जी चौक कठुआ में 35A आर्टिकल जो है, 370 आर्टिकल जो है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की शनाख्त की एक आर्टिकल है, और कुछ देश विरोधी ताकतें इस आर्टिकल को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर साजिशें कर रही हैं। हमारी पार्टी के सरबरा जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अली मोहम्मद सागर साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का आदेश है कि गली गली कूचे कूचे में जिला सदर मकाम में ब्लॉक लेवल वाली घटना की निंदा की जाए। और आज इतनी बारिश में भी हमारे साथी बड़े बड़े दूर से आकर इस आर्टिकल के तहफ़ के लिए, इसके बचाव के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर रियासत और हिंदुस्तान के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, और आल जहानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का ये दिया हुआ हमें यकीन है, और पाकिस्तान जो है उसको बहुत बड़ा चैलेंज किया था हमारे लीडर ने, और बापू गांधी के देश के साथ भारत के साथ इल्हा किया था, और जब तक ये जो सरकार मरकज़ की और रियासत जम्मू कश्मीर की इस आर्टिकल को तहफ़ के लिए यकीन नहीं देती, हमारे जो संघर्ष हैं गाँव लेवल पर भी जाएंगे। इसलिए आम मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा ये आवाम को सूचित करना चाहते हैं कि हमारे साथी इस आर्टिकल की तहफ़ के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये रियासत जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, ये हमारे लीडर ने अपने, हमारे कारकुनों ने अपने खून से इसको सींचा हुआ है, और फिर का भ्रष्टाचारों के साथ हमारा संघर्ष जो है ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय जम्मू। से 35A पे हमने कठुआ में एक प्रोटेस्ट रखा है जो कि पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जो आज के दिन में कश्मीर को, इसके लिए कश्मीर आज बंद है, और मैं कठुआ के लोगों को भी, कठुआ की आवाम को भी अपील करता हूँ कि 35A के बारे में थोड़ा सा उसको समझें, और 35A के ऊपर कोशिश करें कि 35A है क्या। मैं बता दूं आपको कि 35A जो है वो महाराजा हरि सिंह जी ने
1927 में ये जो इसको हमारा स्टेट सब्जेक्ट जो है उसको लागू किया था, और उन्होंने एक बात कही थी कि 35A जो है वो महाराजा हरि सिंह जी ने कहा था कि 35A बनाने से हमारे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जो बहुत ही गरीब आवाम है, जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, वो इतने होशियार लोग नहीं हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि 35A को लागू करते हैं, और 35A को लागू करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बाहर की जो हमारी स्टेटें हैं, जैसे हमारे लगते पंजाब है, हिमाचल है, जितनी स्टेटें हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करे कर दिया, ये बता दिया कि आप जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जगह नहीं खरीद सकते। वहाँ के बाहर के जो बंदे हैं, जो नौकरियों के लिए कहते हैं, वो यहाँ पे नौकरी नहीं ले सकते। स्टेट सब्जेक्ट वाला ही है वो जम्मू कश्मीर में नौकरी ले सकता है, उसी को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको आपके माध्यम से ये बता दूँ, जो आप मीडिया मेरे कर्मी आए हैं उनकी माध्यम से बता दूँ कि 35A को समझने की बात है। मैं कहता हूँ जितना भी हमारा यूथ है वो इस पर स्टडी करे कि 35A और 370 है क्या। अगर यूथ को ये समझ आ जाएगी, वो जो है वो 35A को कभी भी हटने नहीं देगा। और ये जो पार्टी हमारी कोशिश कर रही है कि हमें लड़ाया जाए, इस पे लड़ाई जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 35A एक हमारे लिए प्रोटेक्शन है, जम्मू कश्मीर के लिए प्रोटेक्शन है। ये नहीं मैं कहता कि ये कश्मीर के लिए प्रोटेक्शन है, ये जम्मू कश्मीर के लिए प्रोटेक्शन है। कठुआ से शुरू होकर ये कश्मीर तक ये प्रोटेक्शन है, लद्दाख तक ये हमारी प्रोटेक्शन है। अज जेड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर बंद है 35A के बारे च, मैं मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहुंचाना चाहता हूं कि इसको मैनुपलेट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 14 मई 1954 को लागू किया गया, जबकि इसकी बुनियाद 1927 में महाराजा हरि सिंह ने जब स्टेट सब्जेक्ट की परमिशन दी, तो ये जाहिर करता है कि यहाँ पर वही आदमी रह सकता है, वही होगा जो कि स्टेट सब्जेक्ट का भागीदार होगा। अभी यहाँ पर जो मैनुपलेशन किया जा रहा है, डिफरेंट पार्टी की तरफ से पोलराइजेशन किया जा रहा है, हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, बल्कि हर जगह पर जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं उनके अंदर एक ऐसा जोश भर जाएगा, जो कि हमारे आम मसले हैं वो रह जाएंगे, और ही मसले जो हैं, मसाला जो हैं जम्मू कश्मीर का, खास तौर पर जो क्रिटिकल सॉल्यूशन है, वो पीछे रह जाएगा। हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि दिल्ली में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर कोई सुनवाई या कोई डेफर नहीं किया जाए, बल्कि इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। ये ऊपर जो सवाल उठता है, आज पूरा जम्मू कश्मीर बंद है, आज जम्मू कश्मीर के लोग बदों बदी परेशान हो गए, लेकिन ओवरऑल इंडिया के लोग बड़े परेशान, खास करिए जो व्यापारी तबका बाहर का, वो बड़ा परेशान है। वह आखते हैं भाई एक बार एक टुटे दफा 370 टुटे, जिसे रीढ़ की हड्डी है 35A, अगर ये टुटती है तो असी लोग इतने आइए व्यापार करिए, क्योंकि जी गवर्नमेंट है ये है कि व्यापारियों की है, और व्यापारियों की गवर्नमेंट होने के बावजूद ये गवर्नमेंट ये व्यापार जरा इतने करना चाहती है और सारे लोगों की खत्म करना चाहती है। ये जो निके निके रोजगार कर रहे हैं लोग, निके निके दुकानदार, निके निके रेहड़ी फड़ी वाले, निके निके जो छोटे मुलाजम, इनकी इन्नी की परेशानी आनी है, ये वक्त दसग। ये अभी रिक्वेस्ट करने सारे लोगों की भी किट्ठे होइए, बिल्कुल जबरदस्त एक अपना फैसला कर लो भाई, असी 35A का कुछ ने नाम लिया तो असी उस चीज़ की बिल्कुल लाग नहीं छोड़ देंगे। अज जड़ा ये मसला उठता 35A का, 35A नहीं टुटनी चाहिए। ये अस सारे लोगों की आवाम की अपील करने कि ये साढ़ा समर्थन देन, अगर 35A टुटी जाती है तो ये यूपी बिहार बनी जाना है, साढ़ा जम्मू कश्मीर साढ़िया माता भैन की अकेले जाना बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाना, जो बाहर के हालात अस सुनने वो साढ़े जम्मू कश्मीर च बनी जाने। रही दूसरी गल है, नौजवान तबका जरा पढ़ा लिखा है वह बेरोजगार हो जाएगा और बाहर के लोग नौकरियां लेना शुरू हो जाएंगे, साढ़े बच्चे बेकार फिरनगे। मैं तो यह आखनी हाँ कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाहर का व्यापार हो जाना, असं बेरोजगार हो जाना, साढ़े सिर पर छत नहीं रहनी है, लोग साढ़े गरीब के गरीब रही जाने और बाहर के लोगों से इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां ला लेनी, जमीन खरीद लेनी, अस लोग फिर मंगने वाली गल हो जानी, अस उत्थे तो उत्थे करें। जम्मू कश्मीर के लोग ने अच्छे सू
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਔਰ 370 ਦਫ਼ਾ ਤੋਨੇ ਚੱਕਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 370 ਦਫ਼ਾ ਔਰ 35 ਦੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਲੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸਲੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਆਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਖਾਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰੀਏ ਨਿਕਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸਲੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 370 ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੀ, 35 ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 35 ਟੁੱਟ ਜਾਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਇਸਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸਲੇ, ਇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਲ ਲੱਗੀ ਪਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸਲੇ 35 ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ 370 ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ 35 ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ 35 ਤਾਂ 370 ਤਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੂਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਯੁਵਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਲੜਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ 370 ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, 35 ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਕਠੂਆ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਖਨਪੁਰ ਤੱਕ। 35 ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1927 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਸਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਕ। ਅੱਜ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਇਸੀ ਢਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ 300 ਜਿਹੜਾ 35 ਟੁੱਟਾ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵਸਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7-7 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੁਨਸੀ ਬੋਲਦਾ ਆਓ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਟੰਗ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੁਆਣਾ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੱਲ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਈਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਜਹਾਂ ਆ ਗਏ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਜ ਆਗ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਹੋਗਾ ਔਰ ਹਮ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋੜੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੋਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, 35 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 35 ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਉਤਰੇਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕੋ ਮੇ ਘਰ ਘਰ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇਂਗੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਯੇ 35। ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਬਲਾਕ ਕੇ ਯੂਥ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੇ SCBC ਕੇ ਗੁਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਯਹਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ 35A ਕੋ ਬਹਾਲ ਰੱਖਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਅਗਰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਤੋ 35A ਸੇ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ 35A ਕੇ ਹੋਣੇ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਂਗੇ। ਅਗਰ 35A ਕੋ ਛੇੜਾ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। ਜੋ ਯਹਾਂ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ 35A, ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਕੋ ਡੈਫਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 35A ਕੋ ਮਤ ਛੇੜਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਾਥੀਓਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਹਾਂ ਆਪਕੋ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ 35A ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਛੇੜਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਏ। ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓਂ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਨੋਂ ਕੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕਠੂਆ ਮੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰ ਸੇ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ
कि जो 35 ए का मसला है, आज मेरी बहनें जहाँ से जहाँ पे बैठ के राशन वगैरह खुला खा रही हैं, जहाँ भी इनके बेटे कहीं प्राइवेट लगा, कहीं कुछ लगा हुआ, जब 35 ए जो हटाने का बात कर रहे हैं, तब जो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल इतना है कि जब भी मेरी बहनें आज इतने राशन पे रोती हैं, वो समय आ जाएगा तो मेरी बहनों को राशन 5 किलो क्या चिड़ियों को डालने के लिए मिलेगा, या बाहर से लोग जहाँ पे आएंगे तो मेरी बहनों को जहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं अपनी बहनों को अलर्ट कर देना चाहती हूँ कि 35 ए के मसले में सब मेरी बहनें बाहर निकले, सब आवाज़ उठाएं, हम सब एक हो जाएं।